हेलो गाइस, कैसे हो? इस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जहाँ मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता अगर हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बना पाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑडियो स्पीकर्स की। ऑडियो स्पीकर्स की इतनी महत्व है हमारे लाइफ में, इतना इंपॉर्टेंस है कि हम सोच भी नहीं सकते। ज़रा उन पबजी लवर्स वालों से तो पूछो कि साउंड क्या होता है, ऑडियो स्पीकर्स क्या होती है, जो हाई ग्राफिक्स गेमिंग करते हैं उनसे पूछो, उन्हीं को पता है इसकी अहमियत। इस स्पीकर्स की खोज एडवर्ड डब्लू किलोग एंड चेस्टर डब्लू राइस ने की थी 1925 में, और इसे पेटेंट किया था 1929 में। जो इन्होंने बनाया था ये कोई पहला स्पीकर्स नहीं था, इससे पहले भी कई स्पीकर्स बनाए गए थे। जो फर्स्ट लाउड स्पीकर इन्वेंशन किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा 1876 में, लेकिन जो आज का स्पीकर है वो इनके बनाए हुए स्पीकर से मैच नहीं करता है। उसका जो मैकेनिज्म था काम करने का उस स्पीकर्स का, वो अलग था। आज का जो स्पीकर्स है वो मूविंग कॉइल वाला कॉन्सेप्ट पे काम करता है, बिल्कुल वही जो एडवर्ड डब्लू किलोग ने बताया था 1925 में, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, उसी के मुताबिक ये काम करता था। खैर जो भी हो, चलिए आज हम देखेंगे स्पीकर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है इसका। ओके, इससे पहले कि स्पीकर्स के बारे में कुछ आपको बताऊं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आखिर स्पीकर देखने के लिए हमको कहाँ पे मिलेगा, हम इसे कहाँ पे देख सकते हैं। इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कहाँ पे इसका एग्जैक्टली इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको CRT टीवी, LED, LCD टीवी में देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्पीकर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेलीविज़न में, जो है कि नीचे साइड में, पहले के ज़माने में इधर साइड में होता था, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होता था, आजकल जो है कि नीचे साइड में, डाउन साइड में देखने को मिलेगा। रेडियो में भी स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। टीवी से पहले रेडियो हुआ करता था, लोग इसी में सॉन्ग्स, न्यूज़, मैचेस और जोक्स वगैरह सुना करते थे। और हेडफोन भी एक अच्छा एग्जांपल है, ईयरफोन में भी जो है कि यहाँ पे जो है कि स्पीकर्स होते हैं दोनों साइड में। ओके, और ये हो गया होम थिएटर। होम थिएटर में भी आपको जो है कि देखने के लिए मिलेगा ये चीज़, ये पूरे स्पीकर्स ही हैं और कुछ नहीं है। होम थिएटर के अंदर में मेन जो पार्ट यही है, इसके बिना मतलब आप मज़ा नहीं ले पाएंगे म्यूज़िक का। दुनिया का कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिकली काम करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है, उसमें स्पीकर्स रहेगा ही रहेगा। फ़ोन में भी स्पीकर्स होते हैं, यहाँ पर इस जगह पे स्पीकर्स होते हैं। ओके, और जो नीचे साइड में यहाँ पर जो होल है ना, यहाँ पर आपको माइक रहता है जिससे आवाज़ जो है कि जाती है दूसरे तरफ के मोबाइल में, और यहाँ से जो है कि आवाज़ या अगला पार्टी का आवाज़ यहाँ पर आता है। आजकल जितने भी बड़े बड़े जो कंपनियां कार बना रही है, जो व्हीकल कंपनियां हैं, उसमें उन्होंने भी आजकल डिजिटल स्पीकर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और बस वगैरह जितने भी आजकल के जो बस आ रहे हैं, बस में भी वही है, सेम टू सेम, सारे जगह पे आगे पीछे जो पैसेंजर्स के लिए स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है साउंड सिस्टम का, ताकि मतलब कि पैसेंजर्स को पता चले कि हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं, आगे नेक्स्ट क्या है। इतना ही नहीं बल्कि हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ट्रेन के अंदर में भी मिलेगा आपको, यहाँ तक फ्लाइट में भी आपको स्पीकर्स का जो है कि सारा कुछ मिलेगा सिस्टम। अगर आप लोगों ने कभी फ़्लाइट से सफ़र किया होगा तो आपको मालूम होगा कि फ़्लाइट के अंदर में जो भी अनाउंसमेंट वगैरह होता है, मतलब हर एक पैसेंजर्स के पास आपको मिलेगा, ये स्पीकर्स लगे होते हैं जिसमें बोलते हैं हाँ भाई सीट बेल्ट बांध लो, ये करो वो करो, यहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ पहुँच गए हैं, इस टाइप का चीज़, ये सारा कुछ स्पीकर्स की मदद से ही होता है। ओके, ये सब जितने भी आप एग्जांपल देखें जहाँ पे स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब हम डेली लाइफ में इससे जुड़े हुए हैं, इतने एग्जांपल, इतने एप्लीकेशन से कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्पीकर्स क्या होता है और ये कैसे साउंड को प्रोड्यूस करता है। स्पीकर्स जो होते हैं वो एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। इसका डिफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल इनटू अ कॉरस्पॉन्डिंग साउंड। ओके, मतलब हम इसमें इनपुट जो देते हैं वो इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल होता है, और इसका आउटपुट जो है साउंड होता है जिसको हम सुनते हैं। लेकिन आखिर ये होता कैसे है? देखिए, इसमें क्या होता है कि वेरिएशन है, जो एयर है ना, एयर में वेरिएशन होता है प्रेशर का, उसी प्रेशर को हम लोग सुनते हैं। ओके, जैसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब हम डिवाइस में देते हैं, ये मेरा स्पीकर्स है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब दिए तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और इस वाइब्रेशन के वजह से यहाँ पर जो इसका डायफ्राम है जो वाइब्रेट किया, इसके वजह से एयर प्रेशर में चेंजिंग आ जाता है,
देख सकते हैं आप, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे फिर हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये इस तरह का आप इसको जो ग्राफ में आप देख सकते हैं, इस तरह का ग्राफ जो है कि बन जाता है यहाँ पे। और ये जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो बिल्कुल वैसा ही प्रेशर है जिसको हम सुन सकते हैं। ओके, मतलब हम जो ऑडियो सिग्नल भेज रहे हैं बिल्कुल वो इसका इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हम कुछ और साउंड भेज रहे हैं और हमको कुछ और साउंड समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब जो हम इसमें देंगे वही साउंड हमको सुनाई भी देगा, क्योंकि उसी हिसाब से इसका डायफ्राम जो है कि मूवमेंट करेगा। इसका ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर्स के जो पार्ट्स हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे पार्ट इसमें। ये काम तो इलेक्ट्रिक से करता है लेकिन पूरा का पूरा मैकेनिकल डिवाइस है ये। ओके, यहाँ पर जो है कि पोल प्लेट होता है, मैग्नेट है, उसका फ्रेम है, कोयल है, स्पाइडर है। देखिए पार्ट ऑफ स्पीकर जो है उसका हम अलग से, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अलग से एक ये इमेज डाले हैं जिसमें आपको सारा पार्ट्स का जो है कि वो नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये जो पीछे लगा हुआ था इसको पोल बोलते हैं, पोल प्लेट बोलते हैं इसको। ओके, और ये मैग्नेट हमारा हो गया, मैग्नेट तो सबको देखा ही होगा मेरे ख्याल से। ये मेरा टॉप प्लेट है। ओके, ये मेरा ब्रेकेट है, बास्केट वो है जिसमें सारा कुछ जो है कि इसी में टाइट होता है, फिक्स होता है। अब भाई इतना सारा कुछ को मैग्नेट हो गया, ये सारा को किसी ना किसी चीज़ में तो टाइट करना पड़ेगा ना, वो टाइट करने के लिए तो हमको ये बास्केट का ज़रूरत है। अब ये जो वॉइस कॉइल है छोटा भीम, यही आतंक मचा के रखा है, पूरा जो काम है इसी का है, पूरा खेला इसी का है। और स्पाइडर हो गया, देखेंगे आगे हम लोग सारा कुछ। स्पाइडर जो है कि कोयल के साथ में अटैच रहता है और ये जो है इसको भी सपोर्ट देता है। और ये हमारा डायफ्राम हो गया, कोन सराउंडर बोलते हैं इसको, डायफ्राम भी बोलते हैं। और ये डस्ट कैप हो गया जो यहाँ पे लगता है। ओके, ये देखिए हमारा स्पीकर का मैग्नेट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये मैग्नेट पोल प्लेट हो गया जो अभी हमने बताया ना पीछे आपको, मैग्नेट पोल प्लेट वही है ये। ये हमारा वॉइस कॉइल हो गया, कुछ इस तरह से दिखता है, कॉपर का रहता है, उसके ऊपर सिलेंडर टाइप का रहता है, उसके ऊपर ऐसा लपेटा हुआ रहता है। ये आप देखो स्पाइडर और डैम्पर है। ओके, ये स्पीकर कौन, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम मिलेगा आपको, लेकिन जो एक्चुअल नाम यही है, स्पीकर कौन बोलते हैं। स्पीकर डायफ्राम हो गया। ओके, ये उसका फ्रेम हो गया, बास्केट बोलिए, फ्रेम बोलिए, जिसमें यह पूरा टाइट होता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप छोटा छोटा इसमें होल है, और ये जो चारों तरफ का होल है ये स्क्रू सारा टाइट करने के लिए, हमारा बॉडी में जो है कि इसको टाइट कर सकते हैं, लकड़ी का जो बॉडी होता है ना उसमें हम लोग इसको टाइट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्पीकर का काम कैसा है, कैसा काम करता है ये, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखिए इसका जो मेन काम करने का जो फंक्शन है वो मैग्नेट का है, इसीलिए हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होते हैं और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जो परमानेंट मैग्नेट होता है इसमें जो है कि चारों तरफ आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और इसमें जो दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी वैसा ही होता है, इधर देखिए साउथ पोल है एक तरफ की, नॉर्थ पोल है। लेकिन इसको जो है कि किसी सोर्स का ज़रूरत नहीं है, हमारा जो ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसको किसी सोर्स का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट को सोर्स का ज़रूरत होता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम देंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के जरिए से, यहाँ पर जो है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट होगा और ये अपने तरफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आकर्षित करेगा। ओके, अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट तो हम लोग देख लिए कि मैग्नेट क्या है, कैसा है। ओके, अब हमको इसका मैग्नेटिक फील्ड को भी समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक मैग्नेट ले लिए। जो मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी मैग्नेट जो है ना उसके चारों तरफ के जो एरिया होते हैं ना उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ पर एक डिफिनेशन हमने डाला है, द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज फेल्ट। वी यूज द मैग्नेटिक फील्ड एज अ टूल टू डिस्क्राइब हाउ द मैग्नेटिक फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस अराउंड एंड विद इन समथिंग मैग्नेटिक इन नेचर। ओके, मतलब अगर मेरा कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोले तो जैसे आयरन पीस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, स्टील हो गया, ये सब सारा जो है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है एक एग्जांपल। ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो तब तक मूवमेंट नहीं होगा और तब तक इस पर कोई फोर्स ये महसूस नहीं करेगा जब तक कि ये मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में नहीं आ जाए। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये जो मैग्नेट है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर मैंने कुछ आयरन का बोल लिया है, ये आयरन का बोल जो है तभी अट्रैक्ट होगा जब मैग्नेटिक फील्ड का एरिया में आएगा वो।
जब मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में आएगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, जो है कि मैग्नेट जो है वो आयरन बॉल को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। मैंने आपको पहले बताया कि हर एक मैग्नेट में उसका पोल होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। लेकिन कुछ कुछ बिहेवियर देखने के लिए मिलता है जब मैग्नेट को मैग्नेट के पास लाया जाता है। तो वो बिहेवियर क्या है, जब सेम पोल एक साथ आएगा कभी भी तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब दूर भागेगा। लेकिन वहीं अगर दोनों का जो पोल है उसका डायरेक्शन अगर डिफरेंट है, जैसे नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, डिफरेंट हो गया, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर मेरा 3 एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। पहला नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, जब दोनों को एक साथ लाते हैं तो अट्रैक्ट करता है। दूसरा एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक नॉर्थ पोल है, दूसरा भी नॉर्थ पोल है, क्योंकि दोनों सेम पोल है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। और तीसरा में भी आप देख सकते हैं साउथ पोल है और साउथ पोल है, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब मैग्नेट जो है दूर भागेगा एक दूसरे से। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा पहले से ही एक वीडियो अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे जो है कि मैग्नेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम पोल हैं और जब भी सेम पोल आएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। याद रखिएगा कि सेम पोल रिपेल ईच अदर, कभी भी सेम पोल आएगा, सेम चार्ज आएगा तो एक दूसरे से जो है कि दूर जाएंगे। ये भी एक एग्जांपल है, आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है दो मैग्नेट को आप एक साथ रखोगे ना तो वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर हम इसके बारे में क्यों जान रहे हैं, इसका स्पीकर से क्या लेना देना है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो मतलब कुछ भी नहीं है, आगे हमको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके हम समझ रहे हैं। यहाँ पर एक और वीडियो है जिसमें है हमारा जो डिफरेंट पोल है, मतलब एक साउथ पोल है नॉर्थ पोल, मतलब डिफरेंट है, वहाँ पे आप देख सकिए कि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम चीज़ जो कुछ भी मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी देखने के लिए मिलेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या, इसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए कुछ नहीं, हमें एक यहाँ पर आप देखिए बैटरी है, कीला है, जो कील बोलते हैं ना नेल, वो है, और कॉपर का वायर को ऐसा गोल गोल लपेट दिया। तो ऐसा लपेटने से क्या होता है कि जब हम इसमें पावर देंगे ना तो ये अपने चारों तरफ, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जैसे आयरन पीस हो गया या कुछ भी, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिप लिया है जो पेपर क्लिप होता है, उसे अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें सड़ जा रहा, चिपक जा रहा, मतलब पूरा मैग्नेट के जैसा बिहेवियर करेगा ये। चलिए हम लोग इसको एक सर्किट के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक बैटरी ले लिया है, ओके, तो बैटरी है तो बैटरी का भी प्लस माइनस होता है, ओके, यहाँ पर प्लस माइनस ले लिया मैंने। और एक कोयल है, कोयल वही जो मैंने आपको दिखाया, बस ऐसा गोल गोल लपेटा हुआ जो रहता है ना स्प्रिंग के जैसा, सेम टू सेम वो लपेटा हुआ है यहाँ पे, यही हमारा वॉइस कोयल है, ओके, सेम टू सेम जैसा हमारा स्पीकर में रहता है वही है। अभी क्या होगा कि जब हम प्लस और माइनस को इस सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, मतलब हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अब यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हो, यहाँ पॉजिटिव से जाएगा और वायर में जा करके फिर नेगेटिव में आ जाएगा। और जब ऐसा होगा तो जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो उसमें भी नॉर्थ पोल बनेगा और साउथ पोल बनेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी वजह से तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनेगा फिर। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा आप देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर डायरेक्शन होता है इसका। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही हम बैटरी का डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का टर्मिनल को चेंज कर देंगे, जिधर पहले पॉजिटिव दे रहे थे नेगेटिव देंगे, और जिधर नेगेटिव था उधर हम पॉजिटिव देंगे, मतलब अपोजिट कर देंगे, तो जो कोयल में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, पहले जिधर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दिए थे जस्ट उसका अपोजिट अगर बैटरी को कर देते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, मतलब साउथ और नॉर्थ पोल है वो दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कोयल के अंदर में वो भी चेंज होता है, और वो डिपेंड करता है बैटरी के ऊपर कि किधर उसका पॉजिटिव है किधर उसका नेगेटिव है, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होगा, और यहीं से कहानी इसका स्टार्ट होता है। अब हम लोग देखिए इसी सर्किट में हम लोग साइन वेव देंगे, साइन वेव यानी एसी फॉर्म, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब इसका जो करंट का डायरेक्शन है अपने आप चेंज होता रहेगा।
किसी भी साइन वेव में एक साइकिल होता है। हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। मतलब हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन अलग होगा और उसके बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज होगा वैसे वैसे ही कोयल का भी डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब पहले पॉजिटिव आएगा तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल बनेगा, फिर जैसे ही उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा। मतलब ये अपने आप में चेंज होता रहेगा जब हम इसमें एसी करंट का सप्लाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये वाला है आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। ओके, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है उसके बाद फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है। ये साइकिल अगर एक सेकेंड में फिर दोहराता है तो इसको बोलते हैं 1 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी में ये साइकिल एक बार होगा। अगर चेंजिंग नहीं होगा तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी नहीं है, और फ्रीक्वेंसी नहीं है मतलब डीसी सप्लाई। लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि हम इसमें जो सप्लाई दे रहे हैं वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि चेंज होगा तभी मेरा जो डायफ्राम है वो मूवमेंट करेगा, और जब मूवमेंट करेगा तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, एयर का प्रेशर में बदलाव आएगा, और यही एयर का प्रेशर में जो बदलाव आएगा उसी को हम सुनेंगे। अगर एयर का प्रेशर में बदलाव नहीं आएगा तो हम कुछ भी, हमको आवाज़ ही नहीं मिलेगा, हम सुन नहीं पाएंगे, साउंड आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर कोयल है, बस सिर्फ कोयल और कुछ मत देखिए, यहाँ पर कोयल है और यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट है। कोयल भी जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ओके, क्योंकि जब हम इसमें पावर देंगे तो हर कोयल इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। अब जब मैं इसमें डीसी सप्लाई दूंगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जब मैं डीसी सप्लाई दिया तो ये मूवमेंट हो गया, इसमें मूवमेंट आ गया। मतलब पहले नीचे था, नीचे से ऊपर हो गया, लेफ्ट था, लेफ्ट से राइट हो गया। सवाल ये उठता है कि ये मूवमेंट हुआ क्यों, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर 2 मैग्नेट बन गया, पहले से तो परमानेंट मैग्नेट एक था ही, दूसरा एक कोयल जिसमें हम पावर दिए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव किया। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बना तो इसमें भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल बना, ओके, एक तरफ नॉर्थ पोल बना, एक तरफ साउथ पोल बना। और याद कीजिए मैंने आपको पहले बताया जब सेम पोल एक ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आएंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आए दोनों, नॉर्थ पोल का ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों जब आपस में सामने आएंगे तो क्या होगा, दूर भागेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, और यही रिपेल के वजह से एक मूवमेंट देखने को हमको मिलेगा। यही मूवमेंट स्पीकर्स में भी होता है, उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक मैग्नेट है और एक कोयल, जो वॉइस कोयल जिसको बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और जब जैसे ही उसमें सप्लाई जाता है तो मूवमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डीसी दिए हैं सप्लाई, तो ये एक बार होकर के रुक जाएगा, सिर्फ एक बार मूवमेंट करेगा और वो रिपेल करके उड़ जाएगा, बस स्पीकर जो है अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। लेकिन क्या होगा अगर हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को चेंज कर दें, तो फिर से ये रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऐसा ही होता है जब हम इसमें साइन वेव देते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, और यही फंक्शन होता है सेम टू सेम स्पीकर्स के साथ भी। वहाँ पर भी हम ऑडियो सिग्नल देते हैं और जो उसका कोयल है वो मूवमेंट करता रहता है। कि यहाँ पर एक एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर हमारा सिग्नल को बूस्ट करता है, उसका वोल्टेज का और करंट का पैरामीटर को इनक्रीज कर देता है, क्योंकि जो कोयल है वो कोयल का अपना कैपेसिटी है, उसी हिसाब से हम उसमें पावर देंगे और उसी हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। क्या होगा अगर हम उसमें लो वोल्टेज और लो करंट देंगे, लेकिन कोयल का स्पेसिफिकेशन हार्ड है, थोड़ा बड़ा है, उसका पावर कैपेसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा लेकिन इतना नहीं बनेगा कि उसमें लगा हुआ जो डायफ्राम है उसको मूवमेंट दे सके, और मूवमेंट देगा भी तो आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा एम्पलीफायर का जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, जो हमारा लोड है हमेशा सोर्स बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा कैपेसिटी का होना चाहिए, तभी उसको अच्छा से फंक्शन कर पाएगा। यहाँ पर एम्पलीफायर से जो मेरा सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल, वो जा रहा है स्पीकर्स में, और स्पीकर में जा रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहेगा तो मूवमेंट जो है उसका डायफ्राम में आता रहेगा। आप यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है सेम टू सेम उसी हिसाब से साउंड वेव भी बनेगा, जैसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल वैसा साउंड वेव,
ऐसा नहीं है कि हम लड़का का आवाज़ है सॉन्ग में और उधर लड़की का आवाज़ आ रहा है। सेम टू सेम जैसा हम सिग्नल देंगे उसी हिसाब से उसका मूवमेंट होगा और उसी हिसाब से वो एयर में प्रेशर क्रिएट करेगा और वही एयर का प्रेशर को हम लोग सुनेंगे। यहाँ पर फिर से देखिए, मैंने एक बैटरी लिया और यहाँ पर एक स्पीकर है। स्पीकर में मेरा प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस बैटरी का सप्लाई दिए तो क्या हुआ? बस एक बार स्पीकर जो है मूवमेंट करेगा, सिर्फ एक बार मूवमेंट करके रुक जाएगा, वो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्शन होगा, मतलब डाउन होगा या तो अप होगा। ओके, क्योंकि वो डिपेंड करता है पॉजिटिव और निगेटिव पे। लेकिन हम जैसे ही साइन वेव देंगे उसमें, ओके, तो साइन वेव जो दिए हम उसमें, तो उसमें टाइम फैक्टर है, वो समय के साथ चेंज हो रहा है, एक तरह का फ्रीक्वेंसी है। अगर एक सेकेंड में एक बार चेंज हो रहा है, एक साइकिल चल रहा है, तो 1 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी है। तो उसी हिसाब से जो स्पीकर हो जाए मूवमेंट करता रहेगा। यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। लेकिन उसका जो पार्ट्स है, हर एक पार्ट्स का अपना अपना फंक्शन है। इतना आसान नहीं है कि बस एक मैग्नेट हो गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, वो वाइब्रेट किया तो साउंड हो गया। उसके लिए भी हमको बहुत सारा मैकेनिकल सपोर्ट लेना पड़ेगा। ओके, और ये सपोर्ट करता है हमको स्पीकर्स का जो और भी पार्ट्स हैं वो हमको सपोर्ट करता है। जैसे देखिए, यहाँ पर जो हमारा पोल है, यहाँ पर जो मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ में पोल प्लेट जो होता है, जिसको पोल प्लेट करते हैं, वो हमारा मैग्नेट के साथ अटैच रहता है। ओके, इसका फिटिंग ऐसा ही है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पोल को मैग्नेट के साथ में अटैच कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसमें जो छोटे छोटे होल्स हैं जो पोल प्लेट में, वो हमारा उसका जो ब्रैकेट है, बॉडी है। ओके, यहाँ बॉडी में आप देख सकते हो, यहाँ पर छोटा छोटा होल है, इसमें स्क्रू से वो टाइट हो जाएगा। तो मतलब ये जो पूरा बास्केट है, जो फ्रेम है स्पीकर का, ये पूरा तरीके से मैग्नेट के साथ अच्छा से टाइट हो जाएगा। ओके, ये था मेरा पहला स्टेप जो मैंने क्लियर किया। अब सेकेंड है कोयल और स्पाइडर। कोयल और स्पाइडर को हम जैसा पिक्चर में दिखा रहे हैं इसी तरीके से आपको लगाना है। ओके, स्पाइडर क्या करेगा? स्पाइडर जो है कोयल को मैकेनिकली सपोर्ट करेगा। ओके, जब ये मूवमेंट करेगा इसको फिर वापस भी तो आना है। ऐसा नहीं कि अगर ऊपर चला गया तो ऊपर ही रहेगा, नीचे चला गया तो नीचे ही रहेगा। इसको ऊपर नीचे का एक सपोर्ट भी चाहिए, तो एक सस्पेंशन के जैसा काम करता है। जैसे हमारा जो गाड़ी का सोकर होता है ना, उसी तरीका का ये काम करता है, उसी तरीके से ये काम करता है इसको, और एक बैलेंस भी बना के रखता है। अब यहाँ आप डायग्राम में देखो, यहाँ पर किस तरीके से हम लोग लगाना है वो आपको यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये पोल प्लेट है, पोल पीस जिसको बोल रहे हैं, और यहाँ पे मैग्नेट है जो कि मैंने पहले अटैच कर दिया, और उसका बास्केट है, ये मेरा बास्केट है। इस बास्केट को मैंने स्क्रू के साथ में यहाँ टाइट कर दिया दोनों तरफ में। अब ये मेरा पूरा बन गया है। अब यहाँ पर पोल प्लेट के पास देखिए गैप है, ये जो मेरा गैप है इसी में हमारा कोयल लगेगा, बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा कोयल है। ओके, ये कोयल लगे, लेकिन ये नहीं कि इसके साथ में चिपक जाए या इसके साथ में, ये दोनों के बीच में ये रहेगा। बहुत ही माइनर सा गैप होगा जिसके वजह से ये मतलब कि मूवमेंट कर पाए। अगर ये टच हो जाएगा मान लीजिए कि मैग्नेट में या फिर हमारा पोल पीस में, तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इसको पूरा फ्रीली चाहिए मूवमेंट करने के लिए। यही वजह है कि हम यहाँ पे स्पाइडर लगाया है, और स्पाइडर जो है बिल्कुल एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत प्रिसाइजली साइज में आता है कोयल, और उसी हिसाब से रहता है कोयल ताकि उसके अंदर में जा सके। ऐसा नहीं कि स्पाइडर का साइज अलग है और हमारा जो कोयल है कोयल का साइज अलग है। मतलब हमको मार्केट से जब भी हम खरीदेंगे तो एक साथ कोई भी चीज़ परचेस करेंगे, कोयल भी और स्पाइडर भी, और उसको वहाँ पे लगा के देखेंगे कि वो बराबर है कि नहीं, और वो बराबर होना चाहिए, सेम साइज का रहेगा तभी ये अच्छा से फंक्शन कर पाएगा, वरना आवाज़ जो आएगा उसमें नॉइज़ आएगा, वो क्लियर नहीं होगा। जब ये सारा चीज़ फिटिंग हो जाएगा तो ये जो हमारा कोन है, ओके, जिसको डायफ्राम बोलते हैं, ये यहाँ पे हम लोग ग्लू डाल के इसके साथ में कोयल के साथ में अटैच कर देंगे, चिपका देंगे। ओके, जब ये इसके साथ में चिपक जाएगा अच्छा से तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए ये क्या है, याद कीजिए पहले मैंने बताया यहाँ पर, एक यहाँ पर भी सस्पेंशन का काम है। क्यों सस्पेंशन का काम है? क्योंकि जब मूवमेंट होगा ये अप जाएगा, तो भाई ये कोन को भी तो अटैच करना, अगर हम इसको इसके साथ में फिक्स कर देंगे पूरा तो ये मूवमेंट कैसे करेगा? क्योंकि ये कोन जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोन हार्ड है, तभी तो ये एयर को धकेल पाएगा, उसके अंदर प्रेशर बना पाएगा।
अगर मान लीजिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे टाइट कर दिए दोनों तरफ में, चिपका दिए या किसी चीज़ से टाइट कर दिए, तो क्या होगा, ये मूवमेंट करेगा? नहीं करेगा मूवमेंट। तो यहाँ पर हमको सस्पेंशन का ज़रूरत है, और यही सस्पेंशन के लिए हम लोग कोन में जो है कि ऑलरेडी यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह से एक रिंग जैसा बना हुआ मिलता है ऑलरेडी। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से कोयल को और स्पाइडर को बॉडी के साथ में, मतलब फ्रेम के साथ में अटैच करेंगे। बिल्कुल गैप होना चाहिए वहाँ पर, अगर गैप नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है कि इसी तरीके से लगाना है। ओके, इसके चारों तरफ में ग्लू डाल देना है बॉडी के साथ में अटैच करने के लिए, और यहाँ पर भी ग्लू डाल करके, एडहेसिव ग्लू आता है स्पीकर का रिपेयरिंग करने के लिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो कोन है, कोन में देखिए इसी का बात मैं कर रहा था अभी थोड़ा देर पहले, सस्पेंशन का। ये देखिए उठा हुआ पहले से, ये इस कोन को भागने नहीं देगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है कि बनाए रखेगा। ये जो है हमारा कोन के बीच में जो होल है, इसी होल में हमको उस कोयल को पास करना है। जो कोयल मेरा वहाँ मैंने चिपका दिया अभी से पहले, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये तो मेरा फिक्स हो गया, लेकिन अब इसी को होल से पास करना है हमको। होल से पास करके इसको चिपका देंगे। आप देखिए डायग्राम के हिसाब से, यहाँ मेरा कोयल का जो पोर्शन है ये वाला पार्ट बाहर है, मतलब कोन से थोड़ा सा बाहर रहेगा, और ये जो कोन है ये इसके साथ में चिपकना चाहिए, यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए। जो हमारा स्पाइडर है, स्पाइडर के साथ में गैप नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से इसके साथ में चिपका देंगे। बिल्कुल जो इसका फिटिंग है बिल्कुल डायग्राम के हिसाब से ही करना है। फिर जो हमारा कोयल का जो वायर है उसको यहाँ पर ला करके सोल्डिंग करना है, सोल्डरिंग आयरन से यहाँ पर इसको प्लस माइनस जो टर्मिनल है यहाँ पे आपको सोल्डरिंग करना है। ये टर्मिनल आपको मार्केट में मिलेगा, बहुत बार बॉडी के साथ में ही मिलता है, और अगर अलग से मिलता है तो यहाँ पर स्क्रू से टाइट करके इसको फिक्स कर देना है। एक डस्ट गैप होता है, डस्ट गैप क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो गैप है, जो हमने गैप रखा है कोयल के बीच में और पोल के बीच में, एक गैप है, उस गैप में डस्ट अगर चला गया तो फिर जाम हो जाएगा ना, क्योंकि वो फ्री मूवमेंट करना चाहिए। वहाँ पर गैप में एक दूसरे से जो कोयल है वो टच नहीं है, तो अगर डस्ट चला जाएगा तो फिर मेरा वो जाम हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, फिर कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, नॉइज़ भी आएगा, इसलिए डस्ट कैप लगाना ज़रूरी है। डस्ट कैप एक तरह का सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो जो बीच वाला पोर्शन होता है एकदम सेंटर वाला, यही मेरा डस्ट कैप है। अब देखो यहाँ पर पूरा जो स्पीकर बनने के बाद जो हमको दिखेगा वो इसी तरीके से दिखेगा। सारा कुछ करने के बाद इसको कम से कम 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए अच्छे से, क्योंकि अगर तुरंत चिपका, आपको लगेगा कि सूख गया है, लेकिन इतना वाइब्रेशन होगा कि ये फिर से बाहर निकल आएगा। ओके, इसलिए 2-3 दिन के लिए इसको छोड़ देंगे, उसके बाद इसको जो है कि हम लोग इसका मज़ा उठाएंगे। पूरा वीडियो का जो जुगाड़ है समझने के लिए बस यही काफ़ी है। चलिए शुरू से इसको पूरा देख लेते हैं हम लोग, ताकि पूरा रिमाइंड हो जाए अच्छा से। देखिए ये मैग्नेट है, नीचे इसका पोल लगा हुआ, पोल प्लेट, ये कोयल हो गया, ये मेरा स्पाइडर हो गया, ये मेरा डायफ्राम हो गया, डायफ्राम में जो सस्पेंशन अभी बताया वो वाला, ये हो गया चारों तरफ से, और बीच में हमारा डस्ट कैप हो गया। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर जो है प्लस माइनस हमारा ऑडियो सिग्नल से चेंज होता रहता है, प्लस माइनस चेंज होता रहेगा। तो प्लस माइनस चेंज होगा तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल बनेगा, और वो भी चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज होगा उसी तरीके से हमारा प्लस माइनस भी, सॉरी साउथ और नॉर्थ पोल भी चेंज होता रहेगा। जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल चेंज होगा तो मैग्नेट जो हमारा है उसका तो पोल फिक्स है ना, उसको तो पोल चेंज नहीं हो रहा ना, जो नॉर्थ पोल है जो साउथ पोल है वो तो फिक्स है। जब ये फिक्स है तो ये मूवमेंट करेगा, क्यों, क्योंकि एक बार पोल चेंज हो रहा तो एक बार कभी ना कभी तो अट्रैक्ट करेगा, कभी ना कभी रिपेल करेगा, और जब रिपेल और अट्रैक्ट होगा तो ये मूवमेंट करेगा, और जब कोयल मूवमेंट करेगा तो कोयल के साथ में ये मेरा कोन भी अटैच है। अभी मैंने बताया कि कोयल किस तरीके से डायफ्राम के साथ अटैच है, जब अटैच है तो ये भी मूवमेंट करेगा। तो यही वेरिएशन जो है हमको सुनने के लिए मिलेगा म्यूजिक के ज़रिए। यहाँ पर जो है एक, जो हमने स्पाइडर के बारे में बताया अभी, वो स्पाइडर का यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि अगर स्पाइडर नहीं होगा तो क्या होगा, ये कभी दायां चला जाएगा कभी बायां चला जाएगा, मतलब बीच में नहीं रहेगा, हमको बीच में रखना है इसको। और प्लस ऐसा नहीं कि ऊपर उड़ गया तो फिर इसको नीचे भी खींच करके लाना है, ऐसा नहीं हो कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाए। अगर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस कितना भी करेंगे तो अट्रैक्ट और रिपेल नहीं करेगा। हमने पहले आपको दिखाया वीडियो में कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को तभी वो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट जब उसके एरिया में आएगा,
अब एरिया से बाहर रहेगा तो क्या गुंडागर्दी करेगा, तो इसीलिए उसके एरिया में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैग्नेट है, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसके एरिया से अगर ये कोयल एक बार रिपेल कर गया, मतलब बाहर निकल गया, तो फिर उसको वापस कौन लाएगा? उसको तो हम नहीं हाथ से जाके फिर से उसको ढकेल के पीछे लेकर के आएंगे। तो उसको बैलेंस बनाने का काम यहाँ पर स्पाइडर कर रहा है। स्पाइडर उसको उतना ही ऊपर जाने देगा जितना ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला जाए। प्लस उसमें एक सस्पेंशन भी रखेगा कि उसके ऊपर एक दबाव भी रहेगा कि उसको वापस आना है, क्योंकि अगर ऊपर चला गया तो उसके ऊपर एक फोर्स भी पीछे से लगाएगा, नेगेटिव फोर्स, और जब नीचे चला जाएगा तो उसको ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड में वो चला गया। तब हम अगर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव देंगे तो जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही तेज़ी से होगा, तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा, इसका जो वेरिएशन है, जो फ्रीक्वेंसी, उसमें चेंजिंग आ जाएगा। मतलब जब अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो खींचने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो खींचेगा नीचे की तरफ उसको लाने के लिए, अट्रैक्ट करेगा, तो उसमें साउंड में वेरिएशन आएगा, क्योंकि वो जल्दी नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा वीक मैग्नेटिक फील्ड में चला गया है। और अगर बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया तो क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ है, बहुत करीब है, सामने में है, तो वहाँ पर जब हम वोल्टेज अप्लाई होगा तो रिपेल जब करने का बारी आएगा इसका, तो बहुत ही तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ, हमको इसको यूनिफॉर्म रखना है। तो यूनिफॉर्म रखने के लिए, बीच में रखने के लिए, बैलेंस बना के रखने के लिए हम यहाँ पर स्पाइडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरह का सस्पेंशन है, जब नेगेटिव में जाएगा, नीचे जाएगा, तो भी इसको ऊपर खींचने का काम करेगा, और जब ऊपर रहेगा तो भी इसको नीचे खींचने का काम करेगा। तो इस तरह से वो ऊपर नीचे होता रहेगा और हमको साउंड मिलता रहेगा। ओके, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का भी एक रेंज है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना आवाज़ पतला हो जाएगा, और जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना जो आवाज़ में भारीपन आएगा। मतलब जैसे बेस, सुने हो ना बेस, थोड़ा बेस बढ़ा दो, बेबी को बेस पसंद है, तो बेस जो है 50 हर्ट्ज़ का, 60 हर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़, 200 हर्ट्ज़, मतलब लो फ्रीक्वेंसी जो है उसमें भारीपन वाला आवाज़ आपको देखने को मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको पूरी तरीके से हम समझा पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।